आपका अपना आचार्य राज मिश्रा, जैसा कि विजयादशमी का पर्व हम सभी को मनाना है और आप सभी लोग जानते हैं कि विजयादशमी का पर्व एक इस प्रकार का पर्व है जिसको देवता भी सेलिब्रेट करते हैं, साधारण मानव नहीं है। इस टाइम पर देवता भी इस पर्व को मनाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग शायद विजयादशमी के पर्व को सही तरीके से समझ ही नहीं पाए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि वो दिन है जिस दिन भगवान राम ने दशकंधर रावण पर विजय प्राप्त किया था, है ना। तो जब भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया तो समस्त देवता, देव, धनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर, सब लोग एक साथ प्रसन्न थे और इस समय पर इतनी सात्विक ऊर्जा का संचार हुआ कि देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, तो एक सात्विक ऊर्जा का संचार धरती के ऊपर हो रहा था। तो आज मैं इस कार्यक्रम में आपको वो बताने जा रहा हूं कि विजयादशमी की पूजा करके आप अपने जीवन के अंदर कितना सुंदर परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसा बदलाव जिसको आप स्वयं में महसूस करेंगे, जो चीजें बताने जा रहा हूं इसको करके आप स्वयं के अंदर परिवर्तन देख पाएंगे कि यस, विजयादशमी के पूजन से जीवन में परिवर्तन आता है। तो आखिर कैसे करना है विजयादशमी का पूजन और विजयादशमी का एक्चुअल में क्या है महत्व? एक तो सबसे पहले ध्यान रखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं 12 तारीख यानी शनिवार 10:58 पर करीब 59 मान करके चलेंगे नौमी तिथि रहेगी। तो नौमी तिथि पर उससे पहले यानी 11 बजे से पहले कन्या पूजन इत्यादि आप करें, नौमी का यज्ञ इत्यादि आप अगर करते हैं तो वो करें, कोई विशेष पूजा नौमी का करते हैं तो वो आपको करना है। अब 11 बजे के बाद क्या करेंगे हम? विजयादशमी का पूजन करेंगे। अच्छा, विजयादशमी का पूजन होता कैसे? वैसे बड़ा सुंदर नियम है और बता रहा हूं, इससे पूरे घर की नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। नकारात्मकता किस प्रकार? घर का ब्रह्म स्थान देख लीजिए, घर में दोनों तरफ से घर को नापिए और देखिए घर के बीच का, बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा एक्चुअल में कौन सा बन रहा है। अगर पॉसिबल हो तो बड़ा काम आएगा जो बता रहा हूं मैं। तो उस बीचों बीच के हिस्से में अगर गऊ का गोबर मिल जाए, गाय का गोबर मिल जाए, तो उस गाय के गोबर को 10 अलग अलग हिस्सों में बनाकर रखना चाहिए और उसके ऊपर 10 रंग के अलग अलग पुष्पों को उठाकर रखना चाहिए। 10 गाय के गोबर के वो बना करके रखना चाहिए। ये जनरली हमारी 10 इंद्रियों की सूचक है। रावण का जो वध है, भगवान ने कहा कि हमें रावण को नहीं मारना है, हमें रावणत्व को मारना है। भगवान राम ने रावण वध के बाद, रावण वध से पहले शब्द कहा था कि रावण को मारने के लिए मैं नहीं जा रहा हूं, मैं रावणत्व को मारने के लिए जा रहा हूं। तो हमारे अंदर भी वो जो रावणत्व है, चाहे वो एंजाइटी का है, चाहे वो फोबिया का है, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन का है, चाहे वो नेगेटिविटी का है, चाहे काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, जो भी यही चीजें हैं जो एक्चुअली इस मानव शरीर को पाकर के भी हमको हैप्पी नहीं रहने दे रही है। तो हमको वो 10 गाय के गोबर के छोटे छोटे जो पार्ट है उसको बनाने हैं, छोटे छोटे, उस पर 10 रंग के अलग अलग पुष्प को रख देना है और 10 रंग के अलग अलग पुष्पों को रख करके पहले गंगा जल का नीचे छीटा लगाकर फिर इसको कीजिएगा, फिर उसको रख करके उस पर हल्का रोली का तिलक और उसके साथ दूध का हल्का सा छीटा, फिर थोड़ा सा एक वस्त्र वगैरह दे करके चढ़ा करके और फिर श्रद्धा पूर्वक ये प्रार्थना करनी है भगवान राम का स्मरण करते हुए, भगवान हनुमान जी का स्मरण करते हुए कि प्रभु जाने में अनजाने में इस जन्म या पूर्व जन्म में अगर हमसे कोई भूल हुई है तो उन्हें क्षमा करके हमारी इंद्रियां एकाग्रचित हो, हमारा मन एकाग्रचित हो, हमारे परिवार का जो प्रेम है वह आपस में रहे, मेरे विचार शांति हो। इस प्रकार से जो भी आपके मन में प्रार्थना है उस प्रार्थना को श्रद्धापूर्वक आपको कर लेना है। अगर गाय का गोबर आपको नहीं, 1% गाय का गोबर आपको नहीं प्राप्त हो पाता है, ऐसी दिक्कत होती है, तो फिर भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 10 दिए ले लें या 10 आटे के छोटे छोटे, आटा गूंथकर 10 आटे के छोटे छोटे पार्ट बना लें और उसके ऊपर जो है उन पुष्पों को उठा करके सजा दें। इस प्रकार 10 पुष्प को आपको सजाना है। ध्यान रखिएगा, जब राम जी की और रावण की युद्ध हो रही थी ना, तो शास्त्र इस प्रकार कहता है कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा और देख भीषण भयो अधीरा। भगवान राम रथ पे नहीं है, रावण एक सुंदर रथ पर है। विभीषण जी को देख करके बहुत पीड़ा हुई तो विभीषण जी ने पूछा राम जी से
कि प्रभु किस प्रकार इसको जीता जाएगा इस आताताई को। तो भगवान राम ने एक सुंदर शब्द कहा था कि सौरज धीरज जही रथ चाका, सौरज धीरज तही रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। जिसके रथ का, जिसके अंदर शौर्य होगा, जिसके अंदर धैर्य होगा, शौर्य और धैर्य दो पहिए होने चाहिए अपने जीवन के, ध्यान रखिए, उस पर सत्य शील दृढ़ ध्वजा, जिसके अंदर सत्यता होगी, जिसके अंदर दृढ़ता होगी कि यस इस कार्य को मैं अच्छा कर पाऊंगा, अपने जीवन को हैप्पी बना पाऊंगा, बना पाऊंगी। बल विवेक दम पर रहित घोरे, बल हो लेकिन अहंकार ना हो, विवेक हो, ज्ञानवान हो, दया क्षमा कृपा क्षमता रथ जोरे। क्षमा भी होना चाहिए और कृपा की भी आदत होनी चाहिए, तो इस प्रकार से उसको जीवन में विजय प्राप्त हो सकता है। और ये 10 जो मैंने पूजन बताया, इसको करने से ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद आप सभी का। विजयदशमी सिर्फ मेला घूमने या फिर रावण दहन देखने मात्र का त्यौहार नहीं है, ये त्यौहार है आपका ईश्वर के प्रति। यदि आप श्रद्धा रखते हैं और पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो जिस तरह से पुजारी जी ने बताया, उस विधि को अपनाकर आप भी अपने मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं और मर्मांचित फल की प्राप्ति के लिए भी ये काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। बहरहाल यहाँ पर रुकेंगे।